हेलो दोस्तों, सुशील टैक में आपका स्वागत है। और अगर आपकी सी ड्राइव फुल हो गई है और जैसे इसके अंदर दिखा रहे हैं रेड सिग्नल, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, वीडियो के साथ बने रहें और देखते रहें। तो एक बार मैं इसको फिर ऑन करके छोड़ देता हूं और ताकि ये आपको लाइव दिखती रहे, और इसका साइज़ छोटा कर देते हैं साइड में। अब जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वो एक एक करके सारे स्टेप करोगे, आपकी सी ड्राइव बिल्कुल खाली हो जाएगी, फ्री हो जाएगी और बड़ी फर्स्ट क्लास कंप्यूटर चलने लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कीबोर्ड के साथ विंडो और आर प्रेस करना है, रन कमांड ओपन हो जाएगी, उसमें आपको टाइप करना है TEMP, एंटर कर देना है। ठीक है, इसके अंदर जो भी आपको दिख रहा है इस सबको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। जो डिलीट हो जाए ठीक है, जो डिलीट ना हो उसको स्किप कर दें। ठीक है, इसको बंद कर देंगे, फिर दोबारा विंडो और आर प्रेस करेंगे और फिर रन कमांड के अंदर जाकर अपटूवर टाइप करेंगे परसेंटेज TEMP फिर परसेंटेज, ये भी टेम्परेरी फोल्डर है अलग, एंटर करेंगे। इसके अंदर आपको जो कुछ भी दिख रहा है सबको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे, तो फिर बंद करेंगे। बंद करने के बाद फिर रन कमांड ओपन करेंगे विंडो प्लस आर के साथ और अपनी बार टाइप करेंगे प्रीफेच PREFETCH, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, एंटर करेंगे। अब ये इसके अंदर जो भी फाइलें हैं इनको भी कंट्रोल ए करके डिलीट करेंगे, कंट्रोल एक करेंगे और डिलीट कर देंगे। इसमें जो डिलीट हो जाए, जो नहीं हो उसको छोड़ दें। उसके बाद ये आपके तीन कामों के, देखो आप देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी नीली हो गई है, मगर इसे अभी हमें और क्लीन करना है। अब और क्लीन करने के लिए क्या करेंगे, अब ये सारी फाइलें डिलीट तो हो गई हैं और रिसाइकिल बिन में चली गई हैं। अब आपको क्या करना है, रिसाइकिल बिन पर राइट क्लिक करना है और ये आ रहा है ना एम्प्टी रिसाइकिल बिन, इस पर क्लिक कर देंगे, यस करेंगे, इससे भी सारी फाइलें डिलीट कर देंगे। अभी आप देख रहे हैं और खाली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, आपको स्टार्ट मेन्यू में जाना है और ये आप विंडो 10, विंडो 7, विंडो 11 सब में अप्लाई कर सकते हैं। सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद जो सबसे पहले ऑप्शन है सिस्टम डिस्प्ले नोटिफिकेशन एप्स पावर, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें फिर नीचे देखेंगे एप्स एंड फीचर्स, इस पर क्लिक करेंगे। ये खुलने में आपकी सिस्टम सेटिंग के कंप्यूटर की स्पीड के हिसाब से टाइम लगाता है। अब आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे ऐप्स हैं, जो आपके ऐप्स अनवांटेड है, जो आप यूज़ नहीं करते उसको आप अनइंस्टॉल कर देंगे। जैसे ये मैंने ऑसलॉजिक्स पर क्लिक किया और अनइंस्टॉल पर क्लिक किया, अनइंस्टॉल कर दिया, यस करके परमिशन देंगे और अनइंस्टॉल। ऐसे ही कर करके आप जो भी सॉफ्टवेयर आपके काम के नहीं है उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, ये जो आपकी विंडो मैंने खोल के रखी हुई थी इसमें दिस पीसी आपको शो कर रहा है, दिस पीसी पे यहाँ पर या दिस पीसी में यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, आने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर दिख रहा है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, इस पर क्लिक करेंगे, ये सिस्टम प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी। उसके अंदर आप क्या करेंगे, सिस्टम प्रोटेक्शन पर जाएंगे। सिस्टम प्रोटेक्शन में देख रहे हैं आप लोकल डिस्क सी ऑन है, तो इसको हम कॉन्फिगर पर जाएंगे और इसको एक बार डिसेबल करेंगे, अप्लाई करेंगे, यस करेंगे, ओके करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत स्पेस, देखो कितना सारा स्पेस खाली होगा, इतना सारा स्पेस सिस्टम रिस्टोर पॉइंट ने ऑक्यूपाइड किया हुआ था, मगर आप इसको ऑन जरूर कर देंगे, कॉन्फिगर पर जाकर वापस से ऑन कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, ओके कर देंगे और छोड़ देंगे इसको। अगला प्रोसेस है, आप सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे डिस्क क्लीनअप, DISK डिस्क क्लीनअप, ये सबसे ऊपर ही आ गया है, इसको क्लिक करेंगे, सी ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लगा के सर्च करेगा, कैलकुलेट करेगा आपके डेटा को और कैलकुलेट करने के बाद बताएगा क्या क्या डिलीट करना है। आप अपनी मर्जी से किसी पर चेक करना है, अनचेक करना है, सबको करके क्लीन अप सिस्टम फाइल पे क्लिक करेंगे, ये आपके सारी फाइलों को क्लीन कर देगा। ठीक है,
और एक ऑप्शन और है जिसको आप कर सकते हैं, जैसे कि मेरा डाउनलोड का फोल्डर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी आप डाउनलोड करते हैं सी में आता है। इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके आप इसको, इसकी लोकेशन को मूव करके दूसरी जगह, अभी जैसे करंट लोकेशन है सी यूजर सुशील टेक डाउनलोड्स, आप इसको आपकी जो अलग ड्राइव है जैसे कि ई ड्राइव है, आप ई के अंदर भी जाके इसको कर सकते हैं। तो आपकी जो डाउनलोड फाइलें हैं वो उसमें जाएंगी और आपका सी बचा रहेगा। जैसे फाइलें हैं ये मैंने डाउनलोड की थी, अभी मैं यूज़ की नहीं है, इसको भी शिफ्ट करके डिलीट करके परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, ये परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। जो डिलीट होती हैं कर दें, जो डिलीट नहीं होती उनको छोड़ दें, फोर्थली डिलीट ना करें। अच्छा, उसके बाद फिर आप अपने, अब आप देख रहे हैं सी ड्राइव क्लीन होती जा रही है बिल्कुल। अब एक काम और कर सकते हैं, जो सी ड्राइव है इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाकर, टूल्स में जाकर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी डिस्क को, सी ड्राइव को ऑप्टिमाइज करना है आपको। सी ड्राइव पर ऑप्टिमाइज पर क्लिक कर देना, ये थोड़ा टाइम लेगा और आपकी ड्राइव को ऑप्टिमाइज करके जो भी फाइलों को अरेंज कर देगा, सिस्टमेटिकली कर देगा। तो अभी क्लोज करते हैं इसको, ओके करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख रहे हैं आपकी सी ड्राइव खाली हो चुकी है, अब आप इसमें जितना मर्जी काम कर सकते हैं। आप चाहो तो मैन्युअली भी कुछ फाइलों को डिलीट कर सकते हैं जो आपके काम की नहीं है, जैसे कि मैं मान लो वीडियो के अंदर ये कुछ काम की नहीं है, इसको शिफ्ट करके डिलीट कर देंगे, ये डिलीट हो गई। या पिक्चर में जा रहे हैं, ये डेटा है, जो भी आपका डेटा है, बस मैं आपको एक स्पेसिमेन दिखा रहा हूँ, शिफ्ट करके डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट कर सकते हैं, डाउनलोड को डिलीट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर जो डेटा आपका काम का नहीं है उसको डिलीट कर सकते हैं, ये जो भी आपका मतलब काम की चीज़ें नहीं है उन सबको आप डिलीट कर सकते हैं और अपने सिस्टम के अंदर स्पेस बना सकते हैं। उसको आपको खुद चेक करना पड़ेगा, मगर उससे पहले के जो पांच ऑप्शन थे वो आप किसी भी पीसी में कर सकते हैं। ये देखो आज इससे ज़्यादा खाली हो चुकी है ड्राइव, ऐसे ही आप अपनी ड्राइव को क्लीन कर सकते हैं। मेरे चैनल के साथ बने रहें और कोई भी क्वेरी हो तो यूट्यूब पर कॉन्टैक्ट करें। आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।